लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बांदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक गांव के घर घर जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने चित्रकूट जनपद के भरतकूप आ रहे हैं। इसको लेकर बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव और घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। जब हमने सदर विधायक से इस पूरे अभियान के बारे में जानकारी पूछी तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। लोग प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 29 तारीख को लगभग 30,000 लोग बांदा विधानसभा से जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भरतकूप के गोंडा आ रहे हैं, आप बांदा जनपद के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, लगभग कितनी संख्या प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इस जनपद से जाएगी? देखिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास के लिए आ रहे हैं और पूरे बुंदेलखंड में बहुत उत्साह है, जिसमें कि बांदा चित्रकूट जनपद में ये रैली होने को है और बांदा जिले से लगभग 80,000 से ज्यादा की संख्या बांदा जिले से अकेले जा रही है। चित्रकूट से भी करीब 1,00,000 की संख्या और वहां से आसपास के क्षेत्रों से आ रही। घर घर हमारे कार्यकर्ता पीले चावल बांट करके और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए सभी कार्यकर्ता और जिले के आम जनमानस से किसान, व्यापारी, मजदूर सभी लोग भारी तादाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए कल चित्रकूट पहुंचे। गांव गांव में बताने के लिए पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 29 तारीख यानी परसों के दिन गोंडा में आ रहे हैं। हाँ भैया, गांव और क्षेत्रों में इस बात का उत्साह है कि वो मोदी जी को देखने, उनको सुनने के लिए यहाँ से बहुतायत संख्या में, भारी संख्या में गोंडा जाएंगे। लगभग हम लोगों का जो हमें लक्ष्य है, लगभग 30,000 प्लस की संख्या हमारी रहेगी बांदा सदर विधानसभा से और ओवरऑल लगभग 1.5 लाख की संख्या की उम्मीद है कि कम से कम 1.5 लाख लोग। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।